ये है मैकॉय का SRF1 रोलर, ये मैकॉय का DRF1 रोलर है, ये फ्लैट व्हील सिंगल रोलर है, ये फ्लैट व्हील डबल रोलर है, ये है मैकॉय का SR1 रोलर सिंगल व्हील ग्रूव रोलर, ये है मैकॉय का DR1 रोलर डबल व्हील ग्रूव रोलर, ये MR1 है मैकॉय का मेश रोलर, और ये है HDR1 हेवी ड्यूटी डोर रोलर मैकॉय का। ये है मैकॉय के रोलर्स जो PVC एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। हमारे पास सिंगल रोलर हैं, डबल रोलर हैं, विथ ग्रूव हैं, विदाउट ग्रूव हैं। इनकी कोटिंग 8 से 10 माइक्रोन्स की है, तो ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट हैं। सिंगल रोलर जो हैं 30 किलो का एक सैश दो रोलर ले सकते हैं, डबल रोलर जो है 55 किलो का सैश है जो एक रोलर ले सकता है, ये मेश रोलर है, और ये है डोर के लिए, ये 80 किलो का सैश एक पेयर ऑफ रोलर यानी कि दो रोलर 80 किलो का एक सैश ले सकते हैं। इनकी जो व्हील्स हैं ये ग्रूव्ड व्हील्स हैं या आपको फ्लैट व्हील में भी मिलेगा। ये व्हील्स POM यानी कि पॉली ऑक्सी मिथिलीन की बनी हुई हैं जो कि हाईली वियर रेजिस्टेंट होता है और इसकी गोलाई में भी चेंज नहीं आता है। जो डबल रोलर्स है उसमें एक स्विंग मैकेनिज्म है, ये है आपका स्विंग मैकेनिज्म। अगर आपके ट्रैक के ऊपर, एल्यूमिनियम ट्रैक के ऊपर थोड़ा बहुत वेवीनेस हो, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो, तो ये स्विंग मैकेनिज्म उस रोलर की मूवमेंट को कंपेंसेट करता है और सैश स्मूथली चलता है। जो डोर कोर रोलर है वो एडजस्टेबल रोलर है और आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये इसका एडजस्टिंग मैकेनिज्म है। इसकी हाइट 8 मिलीमीटर तक एडजस्ट हो सकती है, इसकी विड्थ जो है वो 12 मिलीमीटर है। बाकी के जो रोलर्स हैं ये सब की विड्थ 16 मिलीमीटर की है और ये विंडोज़ में यूज़ हो सकते हैं, ये डोर में यूज़ हो सकते हैं। जो विंडोज़ वाले रोलर्स हैं वो 25,000 साइकिल तक टेस्टेड हैं, जो डोर वाला रोलर है वो 1,00,000 साइकिल ऑफ ऑपरेशन के लिए टेस्टेड है।